तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज का सीन ये है, तुम ही बता दो। पता नहीं हम किधर जा रहे हैं। सस्पेंस। ठीक है, हम वहां जाने के बाद आपको बताएंगे, पर हम आज घूमने जा रहे हैं और मैं कुछ मजा भी करने वाला हूँ बहन के साथ। इसको पता नहीं क्या करने वाले हो मैन। तो दोस्तों, फिलहाल तो आप बज रहे हैं 9 और हमें निकलना था 8 बजे ही, पर अभी 9 हो गए। कुछ नहीं, थोड़ा सा लेट तो होता ही है, तो पता नहीं अब हम कब निकलेंगे। क्यों आ रू, ये तो कुछ नहीं बोलता, जाने दो। मुझे सिर्फ मजा करने में मजा आता है। ठीक है, तो हम वेदांश की खुशी देखते हैं। तो ये है वेदांश। कहाँ जा रहे हैं हम? शिरडी में। हाँ, वहाँ पर क्या है? वहाँ पे बहुत मजा आता है। हाँ, इसकी वजह से हम जा रहे हैं। इसकी बहुत ही इच्छा हो रही थी कि कहीं जाए, तो वहाँ कैसे। हाँ, मेरी छोटे बहन गए ना, उसके माता पिता, इसलिए हम जा रहे हैं। मेरी इच्छा से, पर हम कैसे कहते हैं ना, मैं उसके एक है पाइप लेता हूँ, एक मारता हूँ। तो वो कह रहा है कि हमारे जो छोटे भाई बहन है ना, मतलब इलिशा और वो घूमने के लिए गए, तो हम भी जाना चाहते थे, तो इसलिए हम जा रहे हैं अब इधर। उसने बता दिया वेदांश ने। ठीक है, तो बाद में मिलते हैं दोस्तों। अभी कुछ टाइम तो 15 मिनट हो चुके हैं, पर हमारी जो कार है उसके थोड़ा सा वॉशिंग बाकी था और उसमें थोड़ा पेट्रोल वेट्रोल डाल दिया, क्योंकि बाद में कुछ प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए इसलिए। ये तो बहुत ही सीरियस है, आज जाने तो मैं ही ब्लॉग लेती हूँ आज। इसको तो आना ही नहीं है। मुझे कुछ सोचते ही नहीं, मैं क्या बोलूँ, कुछ भी। अभी हम निकलने ही वाले थे पर हमारी कार की प्रॉब्लम हो गई है, तो देखते हैं कहीं से हमारे रिलेटिव की कार मिलती है फिर हम जा पाएंगे, क्योंकि पीछे पूरा मतलब खोली है कार, पर पता नहीं हम जा पाएंगे या नहीं। अब जाना पड़ेगा, जाना तो है। हम इस स्टॉप के इधर खड़े हैं, उनने कहा कि इतनी दूर नहीं जा पाएंगे आपकी कार, तो देखते हैं अब क्या होगा। हमारे रिलेटिव की कार है पर वो भी कहीं तो जा रहे हैं, तो पता नहीं अब। तो फिलहाल तो हमें अब कार मिल चुकी है, इनकी रिलेटिव थी पूजा अम्मी के, तो अभी हम निकल गए हैं। कितने बजे हैं अभी? 10:30 हो गए अभी, 10:30 हुए हैं। तो आप जाते जाते टाइम होगा, फिर वहाँ किसी में रिस्क आपको दिखाऊंगी। वेल गाइस, अब हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं, अभी हो रहे हैं 11:15 और यहाँ पर ये सब ब्रिज है, पानी है बोटिंग के लिए, यहाँ पे खेलने भी है, और ये है वो रिजॉर्ट जहाँ पर हम आने वाले थे। तो अभी पहुँच चुके हैं और यहाँ पर खेलने के लिए भी है। और यहाँ पर और छोटे बच्चे के लिए खेलने के लिए मैं आपको दिखाती हूँ अभी। यहाँ पर झूले भी है, तो चलो अभी फोटो निकालते हैं। यहाँ पर एक स्विमिंग पूल भी है, तो पहले हम यहाँ पर अच्छे से घूम लेते और फिर डिसाइड करेंगे कब स्विमिंग करें। यहाँ पर बहुत ही पेड़ है, चलो अंदर चलते हैं। तो अभी हम आगे जा रहे हैं, देखते हैं यहाँ क्या क्या है। तो यहाँ पर रैबिट भी है बहुत सारे। तो यहाँ पर जो पिंक कलर के दिख रहे हैं ना आपको, देखो वो रैबिट के बच्चे हैं, बहुत ही मतलब न्यू बॉर्न है, लगता है अभी हुए ये सारे रैबिट्स इतने सारे। तो दोस्तों, आगे लगता है कुछ फोर्ट है, तो हम जाते हैं, देखते हैं वहाँ पर क्या सीन्स है। तो दोस्तों, यहाँ पर वॉल पे वार्ली पेंटिंग की गई है और यहाँ पर एक फोर्ट बनाया गया है, अच्छा बनाया है, पता नहीं पर कौन सा फोर्ट इनने यहाँ पर डिस्क्राइब किया है, कौन सा है आरू? इसको झुंझार माची कहते हैं, इस पार्ट को। किसको? फोर्थ में शिकायत था इस पार्ट को, आधे इसको झुंझार माची कहते हैं। अच्छा, तो दोस्तों यहाँ पर ये स्विमिंग पूल और हमने अभी यहाँ पर फोटो निकाले हैं, तो और भी फोटो निकालेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर माऊ झूला झूल रहा है, मैं आपको दिखाती हूँ, वो बहुत एंजॉय कर रहा है। आरू, माऊ देखो यहाँ पर, मुझे सोने को ना, इसे तो सोना ही रहता है हमेशा। अब एक फोटो एडिट किया है मैंने, वो देखिएगा। हाँ, तो दोस्तों यहाँ पर ये दोनों
मस्त से लेटे हुए हैं और देखो वो दोनों, वाह यहाँ पर ये दोनों बैठे हैं, यहाँ पर मॉम और ये हूँ मैं जो शूटिंग निकाल रही हूँ कब से। इसको तो व्लॉग का कभी सोचता नहीं, जब बाहर जाते सब बोलता है कि मैं व्लॉग निकालूंगा कुछ भी। हाँ इसे सिर्फ खेलने की पड़ती। तो दोस्तों आपने हम यहाँ स्विमिंग पूल के इधर ना बहुत सारे फोटो निकाले हैं और अब हम जा रहे हैं सेल्फी पॉइंट जो यहाँ पर है। यहाँ पे रेन डांस होता है पर यहाँ पर शादी है इसलिए रेन डांस नहीं कर पाए हम। अब हम जा रहे हैं सब लोग और यहाँ पे बेबी पूल भी है जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना उनके लिए स्लाइड है और स्विमिंग पूल की तरह बनाया गया है। और यहाँ पर है सेल्फी पॉइंट, बहुत ऊपर है, मैं आपको ऊपर जाने के बाद दिखाती हूँ। कोविड है इसलिए उनने 5-5 लोगों को एट अ टाइम भेजने का डिसाइड किया है तो रुकते हैं। दोस्तों अब ये है सेल्फी पॉइंट तो आप जाते हैं ऊपर। ये तो और ऊपर चले गए, हम यहाँ पर थोड़े देर रुकते हैं। सेल्फी पॉइंट और हम सब यहाँ पर है और पीछे के सीन्स रेशमी बाल उड़ी उड़ी तो मैं आपको पीछे के सीन्स दिखाती हूँ। यहाँ पर बोटिंग का है और यहाँ पर खेलने का है और यहाँ पर हमने आपको दिखाया था पहले वो स्विमिंग पूल है और यहाँ पर ग्रीनरी है, ग्रीनरी है। दोस्तों यहाँ पर बहुत ही अच्छा सीनरी है, पीछे भी क्या हुआ ये क्यों बुला रहा है पता नहीं क्या हो गया है नकली का ये तो इनके भाई की तरह हो गए, इतने हाथ लगा रहे हैं पर अच्छा स्टैचू। दोस्तों इनको तो इस सांप की तरह पूरा लगा हो गया है। ओ खाड़ी ऐसी तैसी बेचारा सांप। हाँ ब्लॉगर्स काटते, चलो 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 चाओ वेदांश यहाँ, चलो आगे जाओ। अब ये उसे मत कुछ करो, अब आ रही अभी। दोस्तों ये है ब्रिज, बहुत ही लंबा ब्रिज है तो इस पर भी हम चढ़ते हैं। अब तो दोस्तों अभी हमने ये ब्रिज पूरा पार कर लिया है तो अब नीचे चलते हैं। वो ब्रिज पता नहीं पर क्यों बहुत ही हिल रहा था और यहाँ पर आ रही है और मेरी मामी झूला खेल रहे हैं और पता नहीं वेदांश कहाँ है, चलो उसे ढूंढते अब। ये दे दोनों हाँ मेरी ग्राउंड में। तो दोस्तों अभी तो यहाँ पर हल्की हल्की से बारिश शुरू हो गई है, आपको दिख नहीं रही होगी शायद, और यहाँ पर कुछ स्टैचूज है तो यहाँ पर फोटो निकालते हैं। पीछे काउस है और यहाँ पर एक साइकिल है येलो कलर की तो आ रही है इसे चलाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो पीछे घर है ना ये जो पार्क के ओनर है ना उनके है, तो यहाँ पर एक नर्सरी है तो चलो उसे घूमते हैं अब। तो यहाँ पर है एंट्री, ये सर्कल बनाया गया है तो देखते हैं इसके अंदर कौन से प्लांट्स हैं। चलो चलते हैं तो फिर पेरू पर। यहाँ पर पेरू का रोप है, मतलब उनने ना बहुत ही अच्छी सिस्टम की है, उनके ऊपर ना उनके नाम ही लिख दे हैं पर ये मराठी प्लांट्स के नाम है इसलिए मैं मराठी में ही बोलूँगी। मोर पंखी देखो ये बहुत सारे प्लांट्स है, नर्सरी है ये।
दोस्तों हमने वो जो रिसोर्ट था वो पूरा घूम लिया है। तो अभी बज रहे हैं 1:10, तो हम कहीं तो खाना खाएंगे और फिर जाएंगे घर। दोस्तों अब हम जा रहे हैं घर। आरू वेदांश एंड यहाँ पर मेरे मामा जी ड्राइव कर रहे हैं। बोटिंग में भी जाने के लिए नहीं गया क्योंकि अगर हम गए तो बाकी सब लोग आ जाएंगे, इसीलिए अगर हम नेक्स्ट टाइम आएंगे तो वापस भी ब्लॉग में। तो दोस्तों अभी हम इस होटल में पहुंच गए हैं तो अभी खाते हैं खाना। गाइस हम अंदर आ चुके हैं के सभी, अब खाते हैं खाना। क्यों वेदांश? हम बैठ के खाना खाते हैं, चलिए ऊपर मिलते हैं। गाइस अभी हम यहां पे पहुंच गए हैं इस होटल में, तो देखिए गाइस हम आ चुके हैं, अभी खाते खाना, फिर आपसे मिलते खाना खाने के बाद। तो दोस्तों अगर अभी हमने खाना खा लिया है तो अब हम जाते हैं घर। घर जाने में हमें 2.5 घंटे तो लगेगी ही।